ग्वालियर क्राइम ब्रांच बिलुआ थाना पुलिस ने एक घर में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 12 बोर के एक अधिया, दो पिस्टल, 315 बोर के नौ कट्टे, जिंदा राउंड और हथियार बनाने की सामग्री सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिता पुत्र द्वारा अपने घर में ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और बाहर से हथियार बनाने के एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर यहाँ अलग अलग तरीके से हथियार तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से पकड़े गए आरोपियों और फरार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये एक सूचना बिलुआ थाना क्षेत्र के ग्राम रोड़ा की आई थी कि एक परिवार है जो पिता पुत्र जो है कुछ लोगों को बाहर से बुलाकर वहाँ पे हथियार बना रहे हैं और बेच रहे हैं। इस पर से हमारे एडिशन ऋषिकेश मीना और एसडीओपी डबरा, टी आई बिलुआ और क्राइम ब्रांच के टी आई अमर सिंह सिकरा, उनकी टीम, उन्होंने इसको दबिश कर की है और उसमें रेड करने में चार हथियार बने हुए वहाँ मिले हैं और वहाँ बनाने का पूरा सामान मिला है। इसमें भी दो और तीन आरोपी पकड़े हैं इन्होंने और बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं जो वहाँ से सिकरी कर आए थे। तो ये एक नया ये बना और लगा कि इसमें नई बात आई है कि बाहर से बनाने में एक्सपर्ट हैं उनको बुला के यहीं पर बनवा रहे थे वो,